हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मेक फ्यूचर। मैं हूँ स्वाति और आप लोगों के लिए आज हिंदी का इमला लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको आज बोलने वाली हूँ कठिन शब्द। पैराग्राफ नहीं बोल रही हूँ आज, आप लोगों को कठिन शब्द बोल रही हूँ। आप चाहे 6th 7th 8th के हों, 11th 12th के हों, कोई भी क्लास के बच्चे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शब्दों का इमला बोला जा रहा है और आपकी हिंदी को शुद्ध करने के लिए इमला एक बेस्ट माध्यम है, जिससे आप अपने शब्दों को सही से लिखना सीख सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको अपना उच्चारण भी शुद्ध करना है। जिस शब्द को मैं जिस तरह से बोलती हूँ, आपको अगर लगता है कि आप ऐसे नहीं बोलते हैं, तो उसको भी शुद्ध रूप में बोलना शुरू कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ तभी होती हैं जब आप शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं करते और उसको अशुद्ध रूप में ही लिखने की आपकी प्रैक्टिस चलती रहती है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। चलिए, मैं आपको शब्द बोलूंगी और साथ में ही आपको लिखना है। तो शब्द है विष्णुप्रिया। दूसरा शब्द है भार्गवी। फिर लिखिए यदुनंदन। उसके बाद लिखिए शतावरी। ब्रजवल्लभ। बंशीधर। फिर लिखिए कल्प वृक्ष। फिर लिखिए आक्रोश। आक्रोश के बाद लिखिए अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के बाद लिखिए युक्ति संगत। युक्ति संगत के बाद लिखिए मरीच। और मरीचि के बाद लिखिए रतिपति। उसके बाद लिखिए स्तूप। स्तूप के बाद लिखिए पुष्प धनवा। पुष्प धनवा। फिर आपको लिखना है त्रिपथगा। त्रिपथगा किसको कहते हैं? त्रिपथगा, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, त्रिपथगा किसका पर्यायवाची होता है। फिर लिखिए अमर तरंगनी। अमर तरंगिनी के बाद लिखिए समृद्धि। समृद्धि। फिर लिखिए अशिष्ट। अशिष्ट। फिर आपको लिखना है आकांक्षा। आकांक्षा के बाद लिखिए अहम मान्यता। अहम मान्यता।
अहम मन्यता, फिर लिखिए आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा, ये घा लिखा है मैंने, आत्मश्लाघा इस तरह से लिखना है। फिर लिखिए अस्मिता, अस्मिता के बाद लिखिए मिथ्याभिमान, मिथ्याभिमान के बाद आपको लिखना है उपद्रव, उपद्रव, फिर लिखिए अनुकंपा, अनुकंपा के बाद लिखिए अमृत फल, अमृत फल, उसके बाद लिखिए अनुग्रह, अनुग्रह, इसके बाद में आपको लिखना है भागीरथी, फिर लिखिए किन्नरेश, किन्नरेश, इसके बाद लिखिए बसंत दूत, बसंत दूत, उसके बाद लिखिए यक्षराज, यक्षराज, यक्षराज के बाद लिखिए सन्यासी, सन्यासी, फिर लिखिए यातुधान, यातुधान, फिर लिखिए पुष्कर, पुष्कर के बाद लिखिए पिकबंधु, पिकबंधु के बाद लिखिए निरंकुश, निरंकुश, उसके बाद लिखिए शचीपति, शचीपति, फिर लिखिए जगन्नाथ, जगन्नाथ के बाद लिखिए जगत प्रभु, जगत प्रभु, मेघवाहन, मेघवाहन के बाद लिखिए अमर्ष, अमर्ष के बाद आपको लिखना है इंद्राणी, इंद्राणी के बाद लिखिए उज्जवल, उज्जवल के बाद लिखिए मकर ध्वज, मकर ध्वज, उसके बाद लिखिए
पद्मासना, पद्मासना। इसके बाद लिखिए क्षण प्रभा, क्षण प्रभा। उसके बाद लिखिए स्वदामिनी, इसके बाद आपको लिखना है अम्बुद, अम्बुद के बाद लिखिए वृष भानुजा, वृष भानुजा के बाद लिखिए सौमित्र, सौमित्र के बाद लिखिए वर्षाकाल, फिर लिखिए चतुरानन, हरिप्रिया, उसके बाद लिखिए सूर्य सुता, सूर्य सीता के बाद लिखिए शोणित, शोणित के बाद लिखिए इंदिरा, इंदिरा के बाद त्रिलोचना, त्रिलोचना। मधुरालाशा, मधुरालाशा। फिर लिखिए शाखा मृग, शाखा मृग। उसके बाद लिखिए चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। उसके बाद लिखिए पीतांबर, पीतांबर के बाद लिखिए विशंभर, विशंभर। हिरण्य गर्भा, हिरण्य गर्भा के बाद लिखिए अम्बुधि, अम्बुधि के बाद लिखिए उत्कृष्ट, उत्कृष्ट के बाद लिखिए कार्तिकेय, फिर लिखिए वागीश, उसके बाद लिखिए चित्ताकर्षक, चित्ताकर्षक। फिर लिखिए नखायुध, नखायुध।
उसके बाद लिखना है स्वर्णमयी, स्वर्णमयी के बाद लिखिए मार्तंड, मार्तंड उसके बाद लिखिए शतमुख, शतमुख, शतमुख फिर लिखिए शाण मातुर, शाण मातुर उसके बाद लिखिए वीणा पाणी, वीणा पाणी के बाद लिखिए कमनीय, फिर लिखिए प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक के बाद लिखिए द्विकर्मक, द्विकर्मक इसके बाद लिखिए द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक फिर लिखिए निशाचर, निशाचर के बाद लिखिए उद्दंड, उद्दंड के बाद लिखिए उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल उच्चरंग खल, इसको ध्यान से देख लीजिएगा उच्च श्रृंखल, ठीक है। इसके बाद में लिखिए आह्लाद, आह्लाद, आह्लाद में हा के नीचे ये हलंत लगेगा, हा यहां पर आधा होता है इसलिए आह्लाद। इसके बाद लिखिए तमीचर, तमीचर और आखिरी शब्द लिखिए आज का धूम्रकेतु, धूम्रकेतु। तो इस तरह से हमको अगर इमला लिखना सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पे सिलेक्ट करके ऑल को सिलेक्ट कर लेना ताकि आपको हर तरह के वीडियो, सारे नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस के मिलते रहा करें समय समय पर। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये वीडियोज़ मैं बनाती हूँ। अपने क्लासमेट्स को आप इनको शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ को देख करके हिंदी और इंग्लिश के वीडियोस भी आ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सीख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी आपको, इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए आगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं जिस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए हैं वैसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए आगे लेकर आने वाली हूँ। तो ज़रूर बताइएगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी ताकि आप अपनी सारी गलतियों को एक संग चेक कर सकें।